वेलकम बैक। एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। बस कर दो बस में आप मत कहिएगा कि बस कर दो बस, अभी प्रोग्राम बाकी है। सर अभी ऑफ ईयर जो आपसे बातें चल रही थी वो ऑन ईयर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। मेरी तो बस हो गई है। अच्छा सर, भाभी सपोर्ट करती हैं आपको इस पॉलिटिकल, यू नो? हाँ, आप करती हैं। करती हैं, अब शादी के बाद ऑप्शन नहीं है उनके पास। अच्छा सर, ये जो शहर में कौवे बड़े हो गए हैं, और कौवा जो है वो कहते हैं, पुराने जमाने में कहते थे जब वो मुंडेर पे आके बैठता था तो उसको कहते थे कि उड़ जाओ, फलाने का खत आएगा कि कौवा जो है आके शोर मचा रहा है तो समझो मेहमान घर पे आया है। तो हमारे यहाँ भी एक कौवा है जो कि काफी देर से बैठा हुआ है यहाँ पर। ये देखें आप, इसका क्लोज आपने देखा, ये देखें, ओए होए, ये कौवा जो है ना सर, ये कुत्तों में बहुत रहा है तो इसका रंग भी काला हो, आप ये मत समझिएगा कि ये इसका फर्स्ट कजन है ये। नहीं नहीं, अच्छा वैसे श्रीलंका में जो कौवा होता है ना, ये उसकी गर्दन काली होती है, श्रीलंका से उड़ के आया हमारे प्रोग्राम में। सर देखिए कितनी दूर से स्ट्रगल कर गया ये। तो ये कौवा काटता है या सिर्फ ये ऐसी मिसाल है? मेरा मिसाल है, कुछ क्वेश्चन है मेरे जो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? वो आपने उसके सियासी और गैर सियासी जवाब देने, ठीक है? अगर आपका जवाब सही हुआ तो कौवा खामोश रहेगा, और अगर आपका जवाब गलत हुआ तो कौवा शोर मचाएगा। पहला सवाल, कायम अली शाह साहब जैसे बुजुर्ग सियासतदान को सीएम के ओहदे पर फाइज करना पीपल्स पार्टी का उन पर जुल्म है या नहीं? है, जुल्म है। सच या झूठ? मेरे ख्याल है सच। लोड शेडिंग मुशर्रफ के मुकदमे से कहीं ज्यादा बड़ा मसला है, सच या झूठ? सच है। सच है, बिल्कुल सच। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने सियासी दुनिया में हलचल मचाने में सारी मजहबी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। सर हाँ, ये भी सच है। ओ ये 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 झूठ बोलने पे आवाज निकालता है, ये बता दूं आपके। हाँ। अभी तीनों सवाल जो है बिल्कुल सही है। अब एक सवाल इसका जो आपके पास मैं मान जाऊंगा, ये बचाई, ये बताइए टीपू सुल्तान किस लड़ाई में शहीद हुए? किस लड़ाई में? मैसूर की है? नहीं, अपनी आखिरी लड़ाई में। पिछले 5 सालों से कराची में कोई काबिले जिक्र तरक्याती काम नहीं हुआ, सच या झूठ? सच है, नहीं हुआ। सच है, नहीं हुआ। कराची का लैंड माफिया या भत्ता माफिया सियासी तंजीमों यहाँ तक के हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है? नहीं। ये कौवा भत्ता देकर आ रहा है किसी चील को, इसके घर चील आती है पर्ची डाल के चली जाती है। बेचारा कौवा जुल्म का सहारा है, लेकिन हुकूमत से ज्यादा कोई। वो बचपन में आपने नज़म पढ़ी थी, एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। वही कौवा, ये वही कौवा है जब से प्यासा है अभी तक, पी के मर गया था वो तो। अच्छा सर, ये 100 कौवे मिलके जितना काव काव नहीं करते जितना 2 लड़कियां मिलके वाओ वाओ करती है, क्या है? हामी भर ली, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, लोटा वो जहां भी गया लोटा तो मेरे पास आया, वो लोटा तो मेरे पास आया, ये लोटा, लोटा बैतुल खला के अलावा पार्लियामेंट में ज्यादा काम आता है, सच या झूठ? बिल्कुल काम आता। सच है। और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चले, ठीक है। हमारे यहाँ कमीशन बनाने से ज्यादा कमीशन खाने का रिवाज है, सच या झूठ? सच है। सच है। कौवा, व्हाट्स योर? ओह यस यस यस। चौधरी निसार के बयान सुनकर रहमान मलिक भी हैरान होते हैं, सच या झूठ? भाई हम तो दोनों के बयान सुन के हैरान होते हैं। अरे वाह, कौवे ने हामी भर ली सर। कौवा साथ लाए आपके, हर सवाल का जवाब सही दे रहा है। ये कौवा आपकी गाड़ी की छत पे तो नहीं है बैठ के? अवामी कौवा है। अवामी कौवा है, वाह वाह। और ये प्रोग्राम भी अवामी है, अवाम के लिए, एक आम आदमी के लिए सर। हाँ, और जो सब कह रहे हैं कि बस कर दो बस। अच्छा आखिरी सवाल, कि बहुत से सियासतदान अपनी तकरीरें खुद नहीं लिखते, बहुत से पढ़ भी नहीं सकते, सच या झूठ? सच। सच है, वाह 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 वाह। सर आपको पता है, अब एक सवाल, आखिरी सवाल, इसके बाद मैं फिर मैं इंतकाल कर जाऊंगा शायद, मुझे लग रहा है। ये बताइए रहमान मलिक झूठ कब बोलते हैं?
रहमान मलिक झूठ कब बोलते हैं? कब बोलते हैं भाई आप बताएं? जब वो मुंह खोलते हैं। ऐसा ही सर यार ये दुरुस्त 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 उन्होंने भी आना हमारे शो में। अच्छा आना है? हाँ। नहीं वो सच बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। हम भी सियासत करने लगे हैं। सियासत करने लगे हैं। खाने पीने का माशाल्लाह आपको लगता है शौक है? हाँ माशाल्लाह। और आप सियासत में भी इसीलिए आए? सियासत में आप लोगों के गम खाते हैं, गम सुनते हैं, गम बांटने के लिए। जरूरी नहीं है सर हर चीज को वहीं ले जाए, जू मायने ले जाए सर। हाँ हालांकि सही जा रहे हैं आप। ये बताए कि खाने पीने में क्या पसंद है आपको और किस टाइम? मतलब हर सुबह दोपहर शाम वक्त पे खाते हैं या थोड़ी थोड़ी देर बाद? कुछ तो नहीं खा सकते लेकिन रात में अच्छा एक टाइम ज्यादा खाते हैं, डेकोरेट होके खाते हैं। हाँ, मतलब खाना डेकोरेट होना चाहिए, डेकोरेट को सेट डिजाइनर बुलाते हैं। हाँ, मतलब खाना पूरी तसल्ली से खाते हैं। सर इससे पहले कि आप कहें बहुत बस कर दो बस एक ब्रेक लेते हैं, अगर आप ब्रेक लें और ब्रेक पे कहें कि बस कर दो बस, और उनको कह रहे हैं जो आपके मुखालिफ लोग हैं उनको कहना है आपने बस कर दो, ब्रेक भी कहते हैं उनको कहना है, कैमरे की तरफ देख के आपने कहना बस कर दो बस। भाई बस कर दो बस, अब ये शोर शराबा भी बस कर दो बस कर दो बस, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं।